ने सरकारी कर्मचारियों को कल एक बड़ा तोहफा दिया। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नई पेंशन स्कीम में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। यूपीएस को आपको बता दें कि मंजूरी मिलने से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 25 साल नौकरी करने वालों को इस स्कीम का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। यूपीएस के तहत नौकरी के आखिरी 12 महीने में मिली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं 10 साल की नौकरी करने वाले को ₹10,000 का लाभ मिलेगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी। मतलब सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर भी परिवार को आखिरी पेंशन का 60% मिलता रहेगा। सरकारी कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में एक को चुनने का ऑप्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह कि कर्मचारी को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इसका 18% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और कर्मचारियों का योगदान न्यू पेंशन स्कीम की ही तरह 10% रहेगा। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है।